नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। 15 अक्टूबर विजयदशमी दशहरा आज रात को चुपचाप यहाँ फेंक दें दो दिव्य लौंग। तंत्र मंत्र बाधा नजर दोष शत्रुनाश दुख नाश से मिलेगी मुक्ति। पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। इस बार यह पर्व आज 15 अक्टूबर को और दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार विजयदशमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, साथ ही विजयदशमी पर विजय मुहूर्त आज दोपहर यानी कि 15 अक्टूबर को दोपहर 2:02 से शुरू होगा और यह 2:48 तक रहेगा। अपराह्न पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:16 से दोपहर 3:34 तक और पूजन का अभिजीत मुहूर्त सुबह यानी कि 11:49 से और दोपहर 12:35 तक। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी खुशी में हर वर्ष दशहरा मनाया जाता है और साथ ही शुक्रवार का दिन है, तो यह अपने आप में और भी बेहद खास बन गया है इस बार का दशहरा और विजयदशमी। इसके साथ ही साथ माँ दुर्गा ने भी इसी दिन महिषासुर का अंत देवताओं और मनुष्यों के उपकार के लिए किया था। इसी दिन महिषासुर मर्दनी माँ दुर्गा और भगवान श्री रामचंद्र की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही इस दिन कुछ खास उपाय भी करने चाहिए, खासकर लौंग से जुड़े उपाय संपूर्ण बाधाओं को नाश करते हैं इस दिन। दोस्तों, विजयदशमी के दिन कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं, खासकर अस्त्र शस्त्र की पूजा करने का विशेष यानी कि अच्छा माना जाता है। विजयदशमी और दशहरे के दिन, चूंकि इसे विजयदशमी कहा जाता है और दशहरा भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन नीलकंठ देखने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा महत्व माना जाता है। दोस्तों, बता दें कि इस दिन जो जैसा कार्य करता है वो अपने उस कार्य के सिद्धि के लिए कुछ उपाय भी कर सकता है, छोटे छोटे उपाय करके जीवन में सुख और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी प्राप्त कर सकता है। खासकर दोस्तों, आज हम बताएंगे लौंग के उपाय के बारे में। जी हाँ, आप आज रात को विजयदशमी की आज रात को, दशहरे की आज रात को आपको सिर्फ दो दिव्य लौंग यानी चुपचाप यहाँ फेंक देना है, फिर देखिए कैसे जीवन में बरकत आपके जीवन में होती है। दोस्तों, इस दिन यानी कि विजयदशमी की रात को अगर दो दिव्य लौंग का प्रयोग कर लें तो जीवन में कभी भी आपको यानी कि निराशा हाथ नहीं लगेगी, बिजनेस व्यापार तेजी से चलने लगेगा, नौकरी आपकी जल्द लगेगी, वैवाहिक जीवन और तंत्र मंत्र बाधा नजर दोष दुख नाश से मिलेगी मुक्ति। अगर मान लीजिए आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है या फिर आपको लगता है कि घर में लड़ाई झगड़े या फिर तंत्र मंत्र बाधा बहुत ज़्यादा है, तो आप दशहरे की रात को, आज विजयदशमी की रात को क्या करना है, आपको एक दीपक पहले जला लेना है मुख्य द्वार पर, अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक जला के रखें और एक पूजा स्थान पर भी आप जला कर रखें, उसमें दो लौंग जरूर डाल दें। इसके बाद क्या करें कि एकाध आधा घंटा दीपक जलने के बाद लौंग को निकाल लें, यह लौंग दिव्य लौंग हो जाती है और इस लौंग को लेकर आप यानी कि क्या करेंगे, जो व्यक्ति जिसको नजर दोष या फिर किसी प्रकार के तंत्र बाधा है उसको आप उसके सर से 3 बार उल्टे बार के अपने मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ फेंक दें या फिर किसी तिराहे में जाकर फेंक दें। जीवन में तंत्र मंत्र बाधा और नजर दोष की जितनी भी बाधाएं हैं उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। अगर मान लीजिए शत्रु विरोधी यों से परेशान है, किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप कम से कम यानी कि 5 लौंग ले लीजिए और आप क्या करें, आप किसी तिराहे या चौराहे पर चले जाइए और वहां पर जाके चारों दिशाओं पर आप शत्रु का नाम लेकर और चारों दिशाओं में फेंक दीजिए अपने सर से उल्टे बार के, और एक लौंग जो 5वीं लौंग बचेगी उसे ऊपर आसमान की तरफ फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें, चुपचाप घर आ जाए, देखिए कैसे चमत्कार होता है इस लौंग के प्रयोग से। दोस्तों, जीवन में अगर पैसे की बहुत बरकत यानी बरकत चाहिए और पैसे की समस्या से जूझ रही है, परेशानी है, तो आपको 2 लौंग का उपाय करना चाहिए। जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी और लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में सदैव बरसेगी। दोस्तों, इस दिन अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा दृष्टि आपके घर में बरसे रहे और धन धान की बरकत हो, तो आपको क्या करना चाहिए, 2 दिव्य लौंग का प्रयोग करें, एक दीपक आप जला लें मुख्य द्वार पर, एक आंगन पर और एक पूजा स्थान पर जला के रखेंगे ही। दशहरे के दिन वैसे भी विशेष रूप से दीपक जलाने का खास महत्व है और उसमें आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग डाल देना है। 2 लौंग डालने के बाद जब ये दीपक रात में बुझ जाए तो आप इससे ये लौंग निकाल लीजिए, ये लौंग दिव्य लौंग हो जाता है, इस लौंग को आप यानी कि ले लीजिए और अपने सर से
तीन बार उल्टे बार के और आप अपने घर के बाहर भी फेंक दें तो जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो घर से बाहर निकलेगी और धन आने के रास्ते और भी आसान हो जाएंगे। दोस्तों धन की समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो एक दीपक जला लें। दीपक में दो लौंग डाल के पूरे घर में आप इस दीपक की लौ दिखाइए। बाद में दीपक को आप अपने मुख्य दरवाजे पर रख दें और दो लौंग को लेकर आप यानी कि अपने मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दें। वैसे तो आपको क्या करना है, दो लौंग ले लें। दो लौंग को आप यानी कि अपने सर से उल्टे बार के और इस दिन यानी जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, चाहे धन को लेकर हो या फिर किसी प्रकार की हो, तंत्र मंत्र बाधाएं, तो आपको यानी कि किसी भी तिराहे में जाकर आप इस लौंग को फेंक कर चले आएँ तो इससे भी जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन आने के रास्ते साफ हो जाते हैं। वैसे तो देखिए दीपक में जो दो लौंग है, इस लौंग को अगर आप अपने घर के मुख्य आलमारी पर रख दें, जब दीपक बुझ जाए तो इस लौंग को, जो दो लौंग बचे हैं दीपक में, इस लौंग को आप चुपचाप अपने यानी कि जहां आलमारी है कीमती सामान वहां पर रख दें तो आप यकीन मानिए धन की समस्याओं से परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो आपको यानी कि विजयदशमी और आज 15 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे की आज रात को यानी कि ये उपाय करना है, ये प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई रोके ना कोई टोके ना, अगर आप अपने अलमारी पर ये दो लौंग रखते हैं तो जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। वैसे तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो लौंग आप दीपक से निकालेंगे अलमारी पर रखते समय आपको दूर से ही फेंक देना है, यानी अलमारी की चाबी खोल के आपको छूकर नहीं यानी टच करके नहीं रखना है, दूर से ही फेंक देना है। और कोशिश करें कि अगर लाल कपड़े में बांध के रख दें तो जीवन में धन की समस्याएं और बरकत बनी रहेगी और समस्याएं से आप बाहर निकलाओगे यानी धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और धन आने के, इनकम आने के स्रोत भी बने रहेंगे। तो दोस्तों दो दिव्य लौंग का प्रयोग आज रात को आपको दशमी यानी कि विजयदशमी और दशहरे की रात को करना है, जीवन में धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में इनकम के स्रोत बहुत कम है तो आप एक काम और करिए, आप एक दीपक तो जलाएंगे लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप बिना दीपक भी दो लौंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। दो लौंग ले लीजिए, आप दो लौंग आज दशहरे और विजयदशमी की रात को आप इसमें क्या करें कि आप थोड़ा सा सरसों का तेल को लगाकर इस लौंग को काले धागे के सहारे बांध के और आप अपने जहां व्यापार स्थल है, जहां आप व्यापार करते हैं या फिर दुकान है आपका, वहां पर जाकर आप अपने गले के पास रख दें, टांग दें या फिर रख दें तो जीवन में धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। या फिर आज आप विजयदशमी की रात को और दशहरी की रात को आप दो लौंग ले लीजिए और दो लौंग में आप माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए आप अपने गले पर फेंक दीजिए, रख दीजिए तो धन की बरकत हमेशा होने लगेगी और धन की समस्याओं से आपको बाहर निकलने का रास्ता निकल आएगा। दोस्तों ये दो लौंग दिखने में जरूर साधारण सा उपाय है लेकिन इसके यानी कि जो लाभ हैं वो बहुत ही चमत्कारिक लाभ हैं, इसलिए दो लौंग का प्रयोग जरूर करिए आज विजयदशमी और दशहरे की रात को। दोस्तों आप दो लौंग ले लीजिए, वैसे भी आज जब पान खाने का बहुत शुभ माना जाता है दशहरे के दिन, तो पान खाते समय दो लौंग जरूर आप डाल के खाइएगा, एक लौंग पान के अंदर और एक लौंग आप पान के ऊपर आपको दबा देना है यानी कि लगा देना है। दो लौंग यानी दो लौंग से ज़्यादा भी आप लेकर उपाय कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि आप कुछ लौंग ले लें यानी कि दो से ज़्यादा पाँच लौंग ले लें और आप किसी भी तिराहे या चौराहे पर जाकर आप अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप उस चीज़ या फिर उस काम के लिए स्मरण करें और उस काम के निमित्त आप चारों दिशाओं में एक एक करके इस लौंग को आप फेंकिए और उस काम को भी बोलते जाइए जो भी आपकी प्रार्थना है, और फिर एक जो आखिरी लौंग बचेगी उसे आप ऊपर आसमान की तरफ फेंक दें और फिर उल्टे पाँव अपने घर चले आइए। धन की समस्याओं से बाहर निकलने का ये आसान सा रास्ता है और घर की नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाएगी। तो दो लौंग का प्रयोग आपको आज विजयदशमी और दशहरे की रात को करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।